आपकी कॉल प्रतीक्षा में है। अब सब टॉक टाइम रिचार्जेस और बेस्ट ऑफर की जानकारी केवल *121# पर उपलब्ध होगी। आपकी कॉल प्रतीक्षा में है। अब सब टॉक टाइम रिचार्जेस और बेस्ट ऑफर की जानकारी केवल *121# पर उपलब्ध होगी। आपकी कॉल प्रतीक्षा। फोन आ रहा है इनको, नशा जी। हेलो 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 अफू बेगम, अफू बोलो। नौशाद रानी, इब्ने तैमिया की तालीमात मत बताना यहाँ पर। और तुम आला हजरत की तरह मेरे भाई डायरेक्ट भौंकना मत स्टार्ट कर देना। पहले टॉपिक बता दो, कौन से टॉपिक पे बात करनी है। आला हजरत आला नस्ल का कुत्ता था, वो भौंकता रहता था, तो मेरे सामने भौंको मत। कुत्ता था, उसी कुत्ते के सारे कुत्ते मौजूद हैं। आला हजरत का कॉल है अनवारी रजा सफा नंबर 238 पे। मैं भी कुत्ता हूँ, मेरे बच्चे भी आला के कुत्ते हैं। और हमारे कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, कुत्ते हजार फिरते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तो बरेलियों के जैसे हजार कुत्ते फिरते हैं। बात करना है या अपने बाप दादाओं के नाम बताने हैं? वही तो मैं कह रहा था। नहीं, वही तो क्यों कह रहे हो, बाप दादा का नाम क्यों बताते हो? मेरे भाई कुरान हदीस से बात करो ना। था मैं तो उस नूर वाली हदीस को आईआरसी वाले मौलवी ने तुम्हारी टाइटल से बजा दी। अबे चिंदी चोर, झूठ बोल के वीडियो बनाते हो चोर। अल्लाह, उनके सामने तो बोलती बंद हो गई, उनके सामने बोलती बंद हो गई। बेवा औरतों की तरह मातम करने लगे कि फैज सैयद ने तमाम मुसलमानों को बोल दिया कि वो क्या मुशरिक है। टॉपिक बताओ, मैं टॉपिक बता रहा हूँ। तुमने कहा था कि नूर वाली हदीस झूठी है, अल्लामा इन्हीं नूर वाली हदीस कौन सी झूठी है? पूरी हदीस पढ़ो सनद के साथ, कुछ नहीं पढ़ेंगे। पूरी हदीस पढ़ो सनद के साथ। हमको सिर्फ हवाला चाहिए कि झूठ का। हमको सिर्फ हवाला चाहिए क्या मेरे भाई? क्या मतलब, ये कोई वो है, मतलब कोई होटल है पका पकाया खाना चाहिए? अरे तुमने झूठ भाई, उसकी सनत पढ़ो, उसका मतन बताओ, पूरी हदीस तो पढ़ो। झूठ बोलते हो, इतने बड़े तुम काफी हो, हदीसों को झूठ बोलते हो। मतलब हदीस पढ़ी नहीं और बता रहे हदीस पे झूठ बोल दिया। तौबा तौबा तौबा, कितना बड़ा मक्कार आदमी है तू। ऑडियो मौजूद है तेरा, ऑडियो मौजूद है। पुरानी ऑडियो छोड़, तू अभी पढ़ना सनत। अब क्या हो गया, मुंह में आके अंधारे आ गए? जल्दी सनत पढ़, जल्दी मतन पढ़। अभी इसी कॉल में बिना फोन काटे तेरे सामने नूर वाली हदीस को इंशाल्लाह मौजूद साबित करूंगा। एक महीना पहले ही तूने कहा, एक महीना छोड़, एक साल पहले तू क्या था, भीख मांगता था, आज भी भीख मांगता है। तो मैं ये सब बात करने से क्या फायदा? कैसे भाग रहा है? देखो ये होते बिल्कुल सामाइन, ये इतना बड़ा कज़ाब है, कह रहा है हदीस कहाँ है, हवाला दो भाई। हदीस तो बात तो करना है, और ना तो सनद पढ़ रहा है ना हदीस को झूठ कह देते भाई। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, अगर इल्मी बात करना है तो आगे बात होगी, वरना टाटा बाय बाय। नहीं नहीं, भागना नहीं। आप टॉपिक बताइए फटाफट मुझे। भाई देखिए, आपके साथ फालतू बात करने तक क्या है, मैं आपके जो अल्लामा लोग हैं तब तक उनसे इंशाल्लाह इस्लाह की बात कर लूंगा। औकात ही नहीं अल्लामा, आपके अल्लामा अलहमदुल्ला भाषण अफू खान के नाम से हो। तुम्हारे जैसे झोपड़ों को छोड़ देते हैं, जो खाली कहाँ लिखा है, हदीस कहाँ है, इमाम कहाँ है, फला कहाँ है, ये सब छोड़ो। इल्मी बात करना है कि नहीं करना है? अरे भाई इल्मी बात करना है कि नहीं करना है, या अकेले बोलते रहना है? आईने के सामने बात करते हो क्या? नहीं नहीं नहीं, क्या होता है मेरे भैया? हाँ हाँ बोलो ना, कहो कि हाँ मैं तैयार हूँ। कौन सी किताब? अरे उसूल की रोशनी में बात करो ना, टॉपिक तय करो, उसके बाद उनवान पे बात होगी ना। तुम इतना भागते क्यों अफू खान के नाम से? चलो चलो, ओके ओके, मैं उसूल एक तय करता हूँ और टॉपिक भी मैं तय कर लेता हूँ, ठीक है? अच्छा, टॉपिक मतलब तुम ही तय करोगे, उसूल भी तुम ही तय करोगे? क्या बिल्कुल, क्या मेरे भाई कहीं आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हो? नहीं नहीं, हम आज का टॉपिक है क्या, अल्लाह के नबी नूर से बने हुए थे? क्या अल्लाह के नबी नूरी मखलूक थे? अल्लामा आइनी रहमतुल्लाह अलैह ने, अरे अल्लामा आइनी मेरे, अस्तगफिरुल्लाह, बात हो रही कुरान हदीस की, भाग रहे अल्लामा आइनी पे। अल्लामा आइनी पे भी आएंगे, अल्लामा आइनी पे भी आएंगे, लेकिन पहले मेरे भाई आप हदीस तो पढ़िए। हम हदीस को जो उसूल हदीस है उससे साबित करेंगे। क्या भाग गया क्या?